तंबाकू का स्वास्थ्य पर प्रभाव। मैं अंबुज कुमार, कक्षा 6 पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवीबान क्रॉप प्रयागराज। नशा एक अभिशाप है। टोबैको किल्स, धूम्रपान आदमी की जान ले। आइए चर्चा आइए जाने पृष्ठभूमि क्या है। तंबाकू एक प्रकार के निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर नशा करने की वस्तु बनाई जाती है। दरअसल तंबाकू एक मीठा जहर है, एक धीमा जहर, हौले हौले यह आदमी की जान ले लेता है। तंबाकू की लगभग 65 तरह की किस्म बोई जाती है, जिनसे व्यावसायिक तौर पर अधिकांशतः निकोटिना टोबैकम उगाया जाता है। हर चौक चौराहा, जनरल स्टोर, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर युवाओं में नशे का दल बढ़ता जा रहा है। इन नशों के आदि युवा फल फल पर स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत घातक है। WHO से प्रमाणित डेटा के अनुसार विश्व में हर वर्ष 38 लाख लोग गैर संचारी लोग यानी कि NCD से मर जाते हैं। WHO के आंकड़े के अनुसार भारत में NCD से होने वाली मृत्यु की संख्या का अनुमान लगभग 53% है। इन मौतों में से भारत में होने वाली मौतों का सामान्य कारण हृदय रोग और मधुमेह है। तंबाकू की संरचना। तंबाकू उत्पादों में लगभग 5000 जहरीले पदार्थ होते हैं। इसमें उपस्थित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक घटक निम्नलिखित हैं। पहला है निकोटीन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है टार। आइए जाने निकोटीन क्या है। तंबाकू में मादकता या उत्तेजना देने वाला मुख्य घटक निकोटीन है। यही तत्व तो सबसे ज्यादा घातक भी होता है। निकोटीन मस्तिष्क में रिसेप्टर्स को बांधता है, जहां पर यह मस्तिष्क के चयापचय को प्रभावित करता है। निकोटीन अधिकतर पूरे शरीर कंकाल मांसपेशियों में वितरित हो जाता है। निकोटीन की संरचना शारीरिक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के समान होती है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को हस्तांतरित करता है। एसिटाइल कोलिन बहुत महत्वपूर्ण मानसिक और शारीरिक उत्तेजना, सीखने और स्मृति तथा भावना के कई पहलुओं से संबंधित प्रणालियों में शामिल न्यूरोट्रांसमीटर है। आइए जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। यह एक रंगहीन व गंधहीन गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक होती है। हवा के साथ शरीर के अंदर पहुंचने पर यह गैस जहरीली साबित हो सकती है और गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। देर तक इसके संपर्क में रहने से दम घुटता है और मौत तक हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के त्रिआबंध से बनता है। इसका सूत्र CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स पर असर डालती है। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताते हैं कि आमतौर पर जब कोई सांस लेता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। हीमोग्लोबिन की मदद से ही ऑक्सीजन फेफड़ों से होकर शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लॉक हो जाते हैं और शरीर का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण शरीर के सेल्स मरने लगते हैं। आइए जानते हैं टार क्या है। टार एक चिपचिपा अवशेष है, जिसमें बेंजोफाइरिन होता है, जो कि घातक कैंसर होने वाले कारक एजेंटों के नाम से भी जाना जाता है।
फेफड़ों के अतिरिक्त रक्त प्रवाह द्वारा विषैले पदार्थ शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर देते हैं, जिससे कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियां हो जाती हैं। सिगरेट का अंतिम कश पहले कश से 2 गुना अधिक खतरनाक होता है। अधिक समय तक सिगरेट का धुआं सांस द्वारा फेफड़ों में जाता है तो गुलाबी फेफड़े और अधिक तार जमा होने पर काले हो जाते हैं। ये हमारा गुलाबी रंग का फेफड़ा है जो स्वस्थ है, और ये धुएं के कारण और चार्ज जमे होने के कारण काला हो गया है। अन्य यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, अस्थिर नाइट्रोसमाइंस, हाइड्रोजन साइनाइड, अस्थिर सल्फर युक्त यौगिक, अस्थिर हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। आइए जानें तंबाकू के दुष्प्रभाव। श्वसन रोग। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि धूम्रपान हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, और अंतिम अवस्था में हमारा फेफड़ा गलकर इस अवस्था में हो जाता है। हृदय रोग। तंबाकू से अधिक सेवन से हमारा हृदय गल जाता है। गर्भ अवस्था पर प्रभाव। धूम्रपान गर्भ को कर सकता है बर्बाद। दंत रोग। सुरती सुपारी खाने से हमारा दांत सड़ने लगते हैं, और अंत में लापरवाही के कारण इस अवस्था में हो जाते हैं। मुंह का कैंसर। जो लोग सुरती पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन करते हैं उनका मुंह ऐसे ही हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और गाल में भी कैंसर हो जाता है। क्षय रोग तपेदिक यानी कि टीबी। जो लोग धूम्रपान का उपयोग करते हैं उनका शरीर अंत में ऐसे ही हो जाता है। थैंक यू जो आपने हमारी बात को सुना और समझा।